बोकारो स्टील सिटी से सटे धनगरी बस्ती के 16 परिवारों को घर हटाने का नोटिस रेलवे द्वारा जारी किया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो किसी कीमत पर अपने घर को नहीं छोड़ेंगे, भले ही इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। दरअसल रेलवे के द्वारा इस गांव को अतिक्रमण क्षेत्र घोषित किया गया है। बस्ती से सटे हुए टीटी रेलवे लाइन है, जिसमें मालगाड़ी का परिचालन होता है। इससे पहले सिंगल लाइन बनाने को लेकर वहां से घरों को हटाने का काम किया गया था, लेकिन मौजूदा हालात में रेल लाइन का दोहरीकरण का काम चल रहा है, जिस मद्देनजर इस बस्ती के घरों को हटाना जरूरी हो गया है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें यह जमीन बोकारो स्टील और राज्य सरकार ने दी है, रेलवे ने उन्हें जमीन नहीं दी। वो लोग बोकारो स्टील के विस्थापित किए हुए लोग हैं। ऐसे में रहने के लिए जगह और मुआवजा जब तक नहीं दिया जाएगा, तब तक वो लोग घरों से हटने को तैयार नहीं है। लोगों ने रेलवे की पटरी पर सोकर विरोध जताने की भी चेतावनी दी है कि मैं भी रेल प्रबंधन को नहीं जानता हूं, क्योंकि जमीन हमने राज्य सरकार को दिया है और राज्य सरकार आके हमसे कहे कि आप जमीन खाली करें। राज्य सरकार हमारे लिए कुछ नहीं किया, बीएसएल प्रबंधन हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि उनका कॉल था कि जब हम जमीन यहाँ पे आपका पेमेंट करेंगे तो उस समय हम नौकरी देंगे, स्कूल देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, सारा जितना भी सुख सुविधा है जो एक विस्थापित को मिलना चाहिए, अगर उठाएंगे तो उसका पुनर्वासित करेंगे, हमको कुछ नहीं मिला। पूरा तामझाम जेसीबी रेलवे सारा चीज फोर्स लेके, तो पूरे गांव का हम लोग विस्थापित, पूरे उत्तरी क्षेत्र का 19 गांव का, यहाँ हम ऐलानिया दावत दे रहे कि पूरा 19 गांव का विस्थापित आएगा और यहाँ रेलवे में हम लोग सो जाएंगे, उसका जेसीबी जो भी है पॉपलाइन ऑपलाइन में सो जाएंगे, वो चढ़ा के पूरे गाँव को पार करेगा तभी टूटेगा, या तो जान दे देंगे तोड़ेंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।